अगर आप साइंस वीडियोस देखते हैं तो आपको डार्क मैटर थ्योरी और डार्क एनर्जी थ्योरी के बारे में पता होगा, या फिर आपने कभी न कभी इनसे रिलेटेड कोई वीडियोस देखे होंगे और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से सुना होगा। पर क्या आपने डार्क फ्लूइड के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना हो। और आज की वीडियो में हम डार्क फ्लूइड थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। डार्क फ्लूइड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी थ्योरी दोनों को सेटिस्फाई करती है एक ही थ्योरी में। और ये सारी चीज़ें क्या है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो शुरू करते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स की, या फिर कहें एस्ट्रोफिजिक्स की, सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं जो आज तक हमें पता नहीं चला उनके बारे में। और जो डार्क फ्लूइड थ्योरी है वो एक अल्टरनेट थ्योरी है जो इन दोनों थ्योरीज को एक ही थ्योरी में सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं डार्क फ्लूइड के बारे में। तो डार्क फ्लूइड कहता है कि जो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो डार्क मैटर होता है वो एक गैलेक्टिक लेवल पे काम करता है, मतलब एक गैलेक्सी के लेवल पे काम करता है। और जो डार्क एनर्जी होती है वो बहुत बड़े एरिया के लिए काम करती है, मतलब दो गैलेक्सीज के बीच में जितना डिस्टेंस हो उससे भी ज्यादा बड़े एरिया के लिए डार्क एनर्जी काम करती है। जितना भी डार्क मैटर है हमारे आसपास वो जो विजिबल मैटर है उससे ज्यादा है, पर हम ये नहीं जानते कि हम उसको देख क्यों नहीं सकते और इसके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अब तक। अब हमारे अर्थ के बहुत दूर एरियाज में बहुत सारे सुपरनोवा हैं और उन सुपरनोवा को स्टडी करने पे हमें पता चला कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। सिर्फ दूर नहीं जा रहे हैं, वो हमसे दूर जाने के लिए एक्सीलरेट हो रहे हैं, मतलब कोई चीज उनको पावर दे रही है कि वो हमसे दूर जाए। एक्सीलरेशन मतलब कि कोई ना कोई चीज है जो उसे एनर्जी दे रही है और उसी को हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। इसी तरह जो गैलेक्सीज घूमती हैं उनमें इतना ज्यादा मैटर नहीं है कि वो इतनी तेज स्पीड से घूम सकें। तो हमने ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ ऐसा मैटर है जो हमें नहीं दिखता, बट देयर इज अ मैटर जो गैलेक्सीज को इतनी ज्यादा स्पीड देता है घूमने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं डार्क मैटर। ये हुआ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। अब डार्क फ्लूइड की जो थ्योरी है वो कहती है इन दोनों फिनोमेनन को समझाने के लिए कि डार्क फ्लूइड एक ग्रेविटी है, बट वो नॉर्मल ग्रेविटी नहीं है जो हमारे आसपास होती है, वो एक ऐसी ग्रेविटी है, वो एक कंटिन्यूस रेंज है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस की, मतलब कि खींचने की और किसी भी चीज से दूर फेंकने की। अट्रैक्टिव आप ऐसे समझ सकते हैं, मैग्नेट को जैसे हम अट्रैक्ट करते हैं वो अपने पास खींचता है, एट द सेम टाइम इट रिपल्स इट, मतलब कि कोई भी मैग्नेट अपने आप को, दो मैग्नेट एक दूसरे को खींच रहे हों और उसी टाइम पे वो एक दूसरे को धक्का भी दे रहे हों, ऐसे ही काम करता है डार्क फ्लूइड। और ये मैटर की डेंसिटी के हिसाब से काम करता है, जैसे मैटर की डेंसिटी होगी उसी हिसाब से ये फोर्स काम करेगा। तो डार्क फ्लूइड थ्योरी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों की चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम इसके अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो जो हमारे गैलेक्सीज हैं आसपास उनमें इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, इतना ज़्यादा मैटर है, अगर उनमें डार्क फ्लूइड एज आई शेड इट इज़ अ ग्रेविटी, तो उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना वो उस गैलेक्सी को इतना तेज घुमाएगा एज अ डार्क मैटर, और उसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो उसको एक्सीलरेट करेगा फ्रॉम द अदर गैलेक्सीज। तो ये जो डार्क फ्लूइड थ्योरी है वो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर देती है। अब मैं होप करता हूँ कि आपको एक और नई चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको डार्क फ्लूइड के बारे में नहीं पता था तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के बताइए, मुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाऊं आगे चल के। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ऐसे ही और साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजी से वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।